Asma Beauty Parlor and Institute. First time in Mumbra Multi-Speciality Beauty Parlor and Institute. Mumbra का सबसे बड़ा beauty parlor जहां आपको professional और certified beautician द्वारा hair and skin treatment provide की जाएगी. Asma Beauty Parlor and Institute. Special offer buy one get one service free. Rush. Admission started for beautician and makeup artist courses at Asma Beauty Parlor and Institute, जो कि professional certified training institute है. Mehndi classes are also available. मैं इस्लामुद्दीन खान और आप देख रहे हैं प्रहार टाइम्स. कहा जाता है कि खुदा के घर देर है अंधेर नहीं है, और खुदा की लाठी अब वसीम रिजवी की पीठ पर पड़ चुकी है. ये भी कहा जाता है कि खुदा की लाठी में आवाज नहीं होती है, मगर वसीम रिजवी की पीठ पर जो आप लाठी पड़ी है उसमें आवाज भी सुनाई दे रही है. जी हाँ, कुरान शरीफ की 26 आयतों को रिमूव करने के लिए वसीम रिजवी ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की थी, मगर सुप्रीम कोर्ट में वसीम रिजवी की याचिका खारिज करते हुए 50,000 रुपए का जुर्माना लगाया गया है. शिया वक्फ बोर्ड के पूर्व चेयरमैन वसीम रिजवी ने जब 26 आयतों को नफरत फैलाने और आतंकवाद को बढ़ावा देने की बात करते हुए सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की थी, उस वक्त वसीम रिजवी के खिलाफ देश विदेश में विरोध प्रदर्शन किया जा रहा था. कई जगहों पर वसीम रिजवी के खिलाफ FIR तक दर्ज करा दी गई थी. आपको बता दें कि सुप्रीम कोर्ट में जस्टिस RF नरिमन की अगुवाई वाली बेंच ने इस याचिका पर सोमवार को सुनवाई की, और सुनवाई के दौरान याचिकाकर्ता के वकील ने कहा कि मुझे इस SLP के बारे में तथ्य पता है. इस पर सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ये SLP नहीं है, ये इनके द्वारा जमा किए गए दस्तावेज हैं, और आप अपनी याचिका को लेकर कितने गंभीर. इस पर याचिकाकर्ता के वकील ने कहा कि मदरसों में ये आयतें पढ़ाई जाती हैं, जिसकी वजह से छात्र मिसगाइड हो जाते हैं. आयतें पढ़कर समझकर अंतरराष्ट्रीय स्तर पर आतंकवादी तैयार किए जाते हैं, मगर सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ये याचिका निराधार है और खारिज करते हुए वसीम रिजवी पर 50,000 रुपए का जुर्माना लगाया. वसीम रिजवी की याचिका खारिज होने के बाद और उस पर 50,000 रुपए का जुर्माना लगने के बाद अब देश विदेश में वसीम रिजवी की काफी फजीहत भी हो रही है. तमाम खबरों को जानने के लिए देखते रहिए प्रहार टाइम्स.